नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत स्कीमों में अप्रैल मई जून के दौरान खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर खाता रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। एपिसोड को अंत तक देखिएगा, उम्मीद है आप देखेंगे क्योंकि आपके फायदे की खबर है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके जान पहचान वालों को फायदा हो जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2024 की अप्रैल मई जून तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान इन स्कीम्स में खाता खुलवाने या खाता रिन्यूअल करवाने पर मैच्योरिटी तक वही ब्याज मिलेगा जो जनवरी फरवरी और मार्च तिमाही के दौरान खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक मिल रहा था। मतलब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो पोस्ट ऑफिस की बचत स्कीम में क्या क्या शामिल है वो जान लेते हैं। बचत जमा खाता, एक साल की सावधि जमा, दो साल की सावधि जमा, तीन साल की सावधि जमा, पांच साल की सावधि जमा, पांच साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, पहले इसको पोस्ट ऑफिस MIS कहा जाता था, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना यानी SSY। तो चलिए जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स में 2024 की अप्रैल मई जून तिमाही में खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा। बचत जमा खाता में 4% ब्याज मिलेगा, एक वर्षीय सावधि जमा में 6.9% ब्याज मिलेगा, दो वर्षीय सावधि जमा में 7% ब्याज मिलेगा हर साल, तीन वर्षीय सावधि जमा में 7.1% ब्याज मिलेगा, पांच वर्षीय सावधि जमा में 7.5% ब्याज मिलेगा हर साल, पांच वर्षीय आवर्ती जमा में 6.7% ब्याज मिलेगा हर साल। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम यानी SCSS में हर साल 8.2% ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने SCSS में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से SCSS में अधिक से अधिक 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं प्रति व्यक्ति। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS, जिसका कि पहले नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम था, तो इसमें खाता खुलवाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने MIS में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 18 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मैच्योरिटी तक 7.7% ब्याज मिलेगा अगर अप्रैल मई जून के दौरान खाता खुलवाते हैं तब या खाता रिन्यू करवाते हैं तब। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF, इसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं अप्रैल मई जून के दौरान तो हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। काफी लोकप्रिय स्कीम है PPF। लंबे समय में अच्छा खासा अगर आपको फंड बनाना है तो PPF में खाता खुलवाना बेहतर विकल्प माना जाता है। किसान विकास पत्र यानी KVP, इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाएंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा और 115 माह में आपका पैसा मैच्योर होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के नाम पर खाता खुलवाने का बेहतर विकल्प है सुकन्या समृद्धि योजना। 10 साल तक की बेटी के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें अगर आप अप्रैल मई जून तिमाही के दौरान खाता खुलवाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 8.20% ब्याज मिलेगा और 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।